नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बीएलएस इंटरनेशनल, जिनको लेकर काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है अबाउट एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का नाम मैं अनाउंस करूंगा, मैं रीड आउट करूंगा जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया। उससे पहले कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल, थोड़ा टेक्निकल एंड उसके बाद शेयर होल्डिंग हिस्ट्री, कंपनी का कैसा है, बैलेंस शीट कैसा, सभी चीजों को हम लोग अभी चेक करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट बीएलएस इंटरनेशनल। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज देख सकते हैं बीएलएस इंटरनेशनल में लगभग 9.45% की उछाल देखने को मिला, लगभग 9.5 से 10% का उछाल देखने को मिला। काफी वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए आपको ध्यान से स्टॉक में ट्रेडिंग भी करना चाहिए। कंपनी करती क्या है? सो बीएलएस इंटरनेशनल जो लिमिटेड है, इज अ पार्ट ऑफ 4 डेकेड्स ओल्ड बीएलएस ग्रुप विथ अ ग्लोबल प्रेजेंस एंड डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, काउंट अमंग्स द टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स इन वीजा एप्लीकेशन में काम करती है कंपनी। आउटसोर्सिंग विथ इज प्रेजेंट इन वीजा, पासपोर्ट, कंसुलर, काउंसुलर, सिटीजन सर्विसेज विथ 62 कंट्रीज एंड 36 गवर्नमेंट क्लाइंट, एंड प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू 2,325 ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड। सो आप समझ सकते हैं किस सेक्टर को बिलोंग करती है। अभी इसका मार्केट कैप देखिए 11,661 का है, करंट प्राइस 284 का, हाई कंपनी ने 286 का बनाया, यानी जस्ट हाई के पास ही ट्रेड कर रही है, लो 110 का। स्टॉक का पी है 48.8, बुक वैल्यू 19.5, बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड 0.18%, आरएसयू 32.2%, आरए 39.6%, फेस वैल्यू कंपनी का है 1। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है तो देखिए, कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने डेट को जो रहता है रिड्यूस किया, अपने डेट को ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड किया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, दैट इज नेगेटिव पॉइंट। एंड प्रमोटर को होल्डिंग डिक्रीज किया वो लास्ट क्वार्टर 2.73%, तो डिक्रीज हुआ तो किसको उन्होंने बेचा उसको भी जानना ज्यादा जरूरी है। टैक्स रेट सीम्स टू बी लो। पीयर कंपैरिजन देखिए, टाटा एलेक्सा, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फिन, सब ये सब इनकी कॉम्पिटिटर बताई जा रही है। और ये आप उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। कंपनी का रिजल्ट को हम लोग फटाफट एनालाइज कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ परस्पेक्टिव। सो देखिए, जून 2022 यहाँ पर है, एंड दिस जून 2023, यानी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होगा यहाँ पर। तो सेल्स 273 से बढ़कर के 383 है, बहुत बढ़िया जंप है। हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 32 से बढ़कर के 80 है, नेट प्रॉफिट 31 से बढ़कर के 71 है। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट काफी बेहतरीन है। ओके, अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखिए कंपनी का सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला, 449 से गिर करके 383 है। प्रॉफिट में लेकिन जंप है, 67 से बढ़ करके 80 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 87 से घट करके 80 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और लास्ट में नेट प्रॉफिट देखिए 77 से गिर करके 71 देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये फ्लैटेस्ट रिजल्ट है, ये नहीं बोल सकते कि रिजल्ट खराब है। बस एक चीज नेगेटिव जो दिखा, दैट इज सेल्स कंपनी का थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। और हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस को अगर चेक कीजिएगा। देखिए अभी तक का जो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर चेक कीजिएगा, तो कंपनी का सेल्स जो है अभी तक का हाईएस्ट है। देखिए 1627 अभी तक का हाईएस्ट यहाँ पर टीटीएम बेसिस में है, मार्च में देखिए 1516 है। सिमिलरली कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर चेक कीजिएगा, तो 245 यहाँ पर देखिए अभी तक का हाईएस्ट है। सो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंटिन्यूअस सेल्स भी बढ़ रहा है, प्लस नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो देखिए रिजर्व्स कंपनी का 560 से बढ़कर के 762 हो गया है, और कंपनी ने अपने बोरिंग जो रहता है, यानी लाइबिलिटीज जो होता है, 11 से गिरा इसको गिर गया है, गिर करके 7 हो गया है। बोरिंग जो है कंपनी का, और फिक्स असेट देखिए 112 से बढ़कर के 234, यानी कंपनी को अपनी ग्रोथ को लेकर के पॉजिटिव, इस कारण अपने फिक्स असेट में पैसा लगा रही है, बढ़ा रही है। और ये हो गया। अभी हम लोग शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को जरा चेक करेंगे। देखिए शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में प्रमोटर का शेयर डिक्रीज हुआ, 74.41 से गिर करके 71.68 हो गया है, और लेकिन किसको बेचा उन्होंने, तो यहाँ पर एफआई ने खरीदा, 7.57 से बढ़कर के 8.46 है। एंड सिमिलरली पब्लिक का स्टेक यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज कर गया, थोड़ा नहीं इंक्रीज तो किया, 17.92 से 19.78, यानी प्रमोटर ने शेयर जब बेचा तो एफआई के हाथ में लग गया, और दूसरा मेजर हाथ किसने किसको लग गया, पब्लिक के हाथ में लग गया है। सो ये एक चिंता की विषय है, क्योंकि पब्लिक का स्टेक थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू एफआई। सो ये थोड़ा ध्यान से ट्रेड करने की बात यहाँ पर। इसके चार्ट को अगर चेक कीजिएगा तो देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ, इसका ये मंथली चार्ट है, कहीं पर देखिए बस, देखिए बस एक तरफा मूव ऊपर की ओर है। सो चार्ट में कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस मूव है। और वीकली चार्ट को अगर चेक कीजिएगा तो देखिए वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, काफी पॉजिटिव मूव है। और इसके लिए सपोर्ट जो होगा वो लगभग आपका इस कैंडल का लो को यहाँ अपना सपोर्ट मान करके ट्रेड कर सकते हैं, दैट टू आफ्टर आस्किंग योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो 250-55 का स्टॉप लॉस होगा, 250-55 नहीं, 240 का एग्जैक्ट स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे आएगा तो फिर से बेरिश हो जाएगी। लेकिन अभी चार्ट में चार्ट जो है
बिल्कुल बुलिश चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट काफी बुलिश है। ओके, कहीं से सेल साइड की बात नहीं आ पा रही है। न्यूज की ओर बढ़ते हैं, तो दिस इज द न्यूज, और इसमें बोला क्या जा रहा है, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, उसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। सो इसमें बोला जा रहा है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट BLS इंटरनेशनल FZE सब्सिडरी ऑफ कंपनी इज इन प्रोसेस टू सब्सक्राइब 100% शेयर कैपिटल ऑफ BLS इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ सऊदी अरेबिया, कंसिक्वेंट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या होगा, 100% शेयर कैपिटल ऑफ BLS इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज्म विल बिकम स्टेप डाउन सब्सिडरी एंड होली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी SDSWS। तो ये कंपनी एक्विजिशन की यहाँ पर बात कर रही है। इसको हम लोग जो इसको रीड आउट करते हैं, जो अनाउंसमेंट को इन्होंने सबमिट किया है से भी, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए, नेम ऑफ द टारगेट एंटिटी कौन है, तो BLS इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो इसको ये एक्शन की बात हो रही है। पेड ऑफ शेयर कैपिटल देखिए 1 लाख शेयर्स है, टर्नओवर नील है बिकॉज अभी येट टू कमेंस बिजनेस ऑपरेशन, यहाँ पर बताया जा रहा है। किस सेगमेंट को बिलोंग करते हो, वीजा एंड पासपोर्ट प्रोसेसिंग को है, एंड द SDSWS सेल इंटर अलाइव डील इन द एक्सिस्टिंग रेंज ऑफ बिजनेस। एक्विजिशन का कब तक कंप्लीट होगा, 31 अगस्त 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी इस मंथ के एंड तक कंप्लीट होने की चांसेस है। और कैसे कंप्लीट होगा, तो बाय कैश एंड BLS। कैसे कॉस्ट एक्विजिशन क्या है, तो BLS कैसे मतलब कितना पैसा, क्या शेयर, क्या ट्रांसफर होगा वो बताया जा रहा है। तो BLS सब्सिडरी वुड सब्सक्राइब 100% शेयर कैपिटल फॉर अमाउंट ऑफ, ये सऊदी अरेबिया का करेंसी की है, लगभग 1 लाख इन शेयर कैपिटल इन वन और मोर ट्रांचेस। ओके, सो शेयर कैपिटल बताया जा रहा है यहाँ पर, और परसेंटेज के टर्म में 100%। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हुई थी कंपनी, थी 11/5/2023 को। प्रोडक्ट लाइन वीजा एंड ट्रांसपोर्ट, लास्ट 3 ईयर टर्नओवर, क्योंकि नई कंपनी है, और प्रेजेंस एंटिटी कहाँ की है, तो सऊदी अरेबिया की कंपनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट BLS इंटरनेशनल। लेकिन मैं बस एक ही चीज बोलूंगा कि चार्ट जो रहता है ऑलरेडी काफी ऊपर का मूव दिखा चुकी है, और थोड़ा चार्ट ठंडा हो जाए तभी एंट्री करना चाहिए। और जहां आपको बस ध्यान से ट्रेड करना है, बिना स्टॉप लॉस का कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि इस न्यूज का जो रहता है मोमेंटम इस चार्ट में ऑलरेडी आ चुका हो, अब हो सकता है थोड़ी गिरावट देखने को मिले। तो ध्यान से ट्रेड करना है, और जो भी कीजिएगा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस संपर्क करने के बाद ही कीजिएगा, बिकॉज ही नोज योर रिस्क एपेटाइट एंड योर ट्रेडिंग स्टाइल। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।